नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला, ऑर्गेनाइजेशंस की श्रृंखला, संगठनों की। तो इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे IMF के बारे में। इसमें बात करने वाले हम लोग IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। याद रखिए आपको, यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जितनी भी आपकी संगठनों से संबंधित खत्म होते जा रहे हैं संगठन, वो सभी महत्वपूर्ण संगठन या इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1997 को। इसका आपका मुख्यालय है जो वियना ऑस्ट्रिया में। याद रखिए अभी 171 2020 की बात कर रहा हूँ, अभी 171 सदस्य हो गए, पहले 170 थे, लेकिन करंट में 171 देश हैं इसमें, किसमें IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में कितने सदस्य हैं, 171। इसके बारे में आपको एक पॉइंट ये भी याद रखिए, नाभिकीय निगरानी एजेंसी है ये, ठीक है। इसके वर्तमान जो वर्तमान इसके महासचिव ये हैं डॉन राफेल गोसी। वर्तमान महानिदेशक हैं इसके राफेल गोसी, ठीक है। क्योंकि याद रखिए युकिया अमानो थे जो इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल में ही, इसलिए चुनाव कराने पड़े और फिर आए आपके राफेल गोसी, ठीक है। तो अभी कौन है, 20 की बात कर रहा हूँ, 2020 में कौन है करंट में, राफेल गोसी। मिशन की बात करें तो इसका मिशन है नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाना, नाभिकीय ऊर्जा की सुरक्षा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्य मिशन है। कार्य क्षेत्रों की बात करें, इसके कार्य क्षेत्रों में शामिल है नाभिकीय सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुरक्षात्मक उपाय, ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेटवर्क के जरिए सदस्य देशों द्वारा नाभिकीय रक्षा, सुरक्षा संबंधी देशों जानकारियों और सेवाएं आदि आदान प्रदान करना है इनका। आई वेव IAEA वाटर अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम के जरिए सदस्य देशों को विज्ञान आधारित ताजे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करना, राष्ट्रीय जल संसाधनों का व्यापक आकलन करना इसके मुख्य कार्य हैं। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ये स्वतंत्र संस्था, सुरक्षा एवं महासभा को रिपोर्ट देती है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। अंतर सरकारी मंच विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र को सहयोग देते हैं। एडिशनल प्रोटोकॉल 1997 में बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा, इसमें 132 सदस्य राष्ट्रों में लागू हुआ है, यूरोपीय समुदाय से कानूनी रूप से बाध्यकारी है। IAEA को सक्षम नाभिकीय पदार्थों का प्रयोग शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए करना, ठीक है। तो ये था हमारा IAEA। आगे बात करेंगे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है।